सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। गुरुदेव, विवाद का आरंभ शिलाचार्य ने किया। उन्होंने सारे भिक्षुओं के सामने मेरा अपमान किया। मैंने इनका अपमान नहीं किया, केवल इन्हें संघ के नियम स्मरण कराए। परंतु इस तरह सबके सामने सूत्राचार्य को टोकना तो क्या करता? आप तो वही गलती दोहरा रहे थे। सूत्राचार्य, यदि आपसे कोई भूल हुई है तो आप क्षमा मांग लीजिए। गुरुदेव, मैंने जानबूझ के कोई भूल नहीं की। ये सारे साक्षी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस उद्दंडता से मेरे से बात की। गुरुदेव, जब से ये सूत्राचार्य बने हैं, इनमें अहंकार कूट कूट के भरा है। ये मुझसे ईर्ष्या करते क्योंकि मेरा स्थान इनसे उच्चतम। शिलाचार्य का स्थान सूत्राचार्य के बराबर का होता है। आप दोनों हमारे बड़े हैं, फिर भी आपको इतना ध्यान नहीं कि स्वयं बुद्ध आपके सामने खड़े हैं। जिह्वा तेज धार वाले चाकू के समान है, जो बिना लहू बहाए मनुष्य को मार देती है। कृपया कर आप दोनों शांत हो जाएं। आपके इस व्यवहार से संघ की शांति भंग हो रही है। आप सभी पुनः अपनी साधना पर लौट जाएं। यदि आप इस साधना के मार्ग को भली भांति समझेंगे, इसे अपनाएंगे, तो आप अपने अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, अपमान की भावना से स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। गुरुदेव, आप अपने आप को इस विवाद से दूर रखें, जाकर के शांति से अपनी तपश्चर्या करें। हम अपने इस वाद विवाद का निष्कर्ष स्वयं निकाल लेंगे। धीरे से गाओ, नहीं तो मेरा वल्लभ नींद से जाग जाएगा। पंछियों को दोष क्यों देती? दोष तो तुम्हारी इन पायल का, जिनकी खनकार ने मुझे जगा दी। सारा दोष मेरा है। एक और दोष भी है। वहां लेटा जब मैं तुम्हें इनसे बातें करते देख रहा, मेरे मन में ईर्ष्या जागी। अपने मन की बात मैं इनसे कहती हूं, किंतु मुझे नहीं बताती। पहले ये पंछी अकेला था, दिन भर अकेले बैठता था, कोई नहीं था इसके मन की सुनने वाला। पर जब से यदु एक और पंछी लेकर आया है,
दोनों की जोड़ी बन गई है। अब दोनों दिन भर चहकते रहते हैं। बहुत निर्जन कटे तुम्हारे दिन हम, जब तक तुम ना थे जीवन में जीने को कुछ ना था, पर अब मेरी भोर संध्या रात्रि कितने रंगों से भर गई है। मुझे छोड़ के तो ना जाओगे? अजात शत्रु जीवित है, ये समाचार सुन भगत की सेना हर्षोल्लास से जी उठेगी। तुम चुप क्यों हो गए? मैं तलवार चलाने वाला सैनिक, मुझे बातें बनाना नहीं आता। जो भी कहता हूं स्पष्ट कहता हूं। क्या कहना है तुम्हें? मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मेरे अहो भाग्य कि तुमने मुझे अपने योग्य समझा। कौन हो तुम और इस तरह अंदर घुसने का हक? मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछो पहचाना मुझे? तुम भले ही मुझे पहचानने से मना कर दो, लेकिन धरती के जिस कोने में भी तुम रहोगी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। शालीनता से बात करें। ओ, वैशाली की नगरवधु आम्रपाली ने अपने नाम के साथ साथ अपना व्यवसाय भी बदल दिया। अल मेरे साथ बलम, बलम मेरी सहायता करो। छोड़ो मुझे बलम। बलम, मल्लव देवी की रक्षा करो, मेरी सहायता करो। कैसे नहीं जाएगी तू? चल देवी आम्रपाली अब नगर वधु की तरह नहीं रहती, उनकी रक्षा करो बल्लभ, वो तुमसे प्रेम करती है। बल्लभ, क्या तुम भूल गए जब तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी तब देवी ने तुम्हें जीवन दान दिया था? बल्लभ उनकी रक्षा करो। चल यहाँ, ताम्रपाली को छोड़ दो, अन्यथा यहाँ से आज कोई जीवित नहीं जाएगा। मारो से। छोड़ो, छोड़ो उसे, क्यों उसकी हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हो? छोड़ दो उसे। बल्लभ, तुम्हें मेरी सौगंध। फिर कभी दिखाई भी दिए तो प्राण से हाथ धो बैठोगे।
सेनापति आप यहां? महाराज अजाज, महाराज अजाज शत्रु नहीं, हमें यहां वल्लभ के नाम से जानते। आप चिंता ना करें, हम यहां सुरक्षित। आपको ढूंढने के लिए पूरी वैशाली में भेस बदल कर घूम रहे हैं। आपको सकुशल देखकर मेरे मन में संतोष आया। पर महाराज आप यहां तक पहुंचे कैसे? दक्षिणी खेमे में भीषण युद्ध हो रहा, हमारा वध करने के लिए वैशाली के सैनिकों ने चक्रव्यूह रचा। हमने वो चक्रव्यूह तो तोड़ दिया, किंतु हमारे शीश पे गहरी चोट आई। लहू लुहान हम अपनी सेना एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि तभी ज्ञात हुआ कि वैशाली के सैनिक हमें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। अजात शत्रु यहाँ से जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। चप्पा चप्पा ढूंढो, उसका शीश काट के आज हम वैशाली के नगरवासियों को भेज देंगे। जाओ ढूंढो उसे। इसी तरह हमने छुपते छुपाते वैशाली की सीमा में प्रवेश किया। जिसने भी हमें देखा वैशाली का सैनिक ही समझा। इसी घर के बाहर आते हम मूर्छित हो गए। यहाँ की देवी ने हमें वैशाली का योद्धा समझ हमारे प्राण बचाए। वो मुझे वल्लभ पुकारते। क्या आप जानते हैं जिसने आपके प्राण बचाए वो कौन है? आम्रपाली। वही आम्रपाली जिसके कारण आपने वैशाली पर आक्रमण किया। हाँ सेनापति, वही आम्रपाली जो कभी हमारी शत्रु हुआ करती थी। सुना है कि शत्रु से प्रेम नहीं किया जाता, किंतु यह भी सुना है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और आज हमने इसे अनुभव भी कर लिया। हम आम्रपाली से प्रेम करते हैं, उसके सिवा मेरे जीवन में और कुछ भी नहीं। परंतु आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आज प्रातः आपको देखकर मैंने मगध जाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली। रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर हम इसी समय यहाँ से निकल सकते हैं। इसी समय? हाँ महाराज, मगध में आपको लेकर बड़ी चिंता हो रही है। सेना का मनोबल टूटता जा रहा है। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? महाराज आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। हम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, किंतु आज नहीं। अब तुम यहां से जाओ। जी आज्ञा महाराज। कल प्रातः वैशाली की सीमा पर मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अवश्य। देवी, देवी कृपया अंदर ना जाए, मेरी बात सुने। अंदर आपका शत्रु वैशाली विजय हो चुकी है यदु। अब बड़े दिनों पश्चात मेरे जीवन में भी सुख आया है। उस सुख का आनंद लेने दो मुझे यदु। देवी, देवी, देवी। मुझे जाना होगा। कहाँ वल्लभ? मगध की सीमा के पास मेरे खेत में, मुझे वहां जाना होगा, किंतु मैं तुरंत ही लौटूंगा। प्रातः काल चले जाना, आज रात्रि में देरी रुक जाना। ठीक है, किंतु आज रात्रि हमारे बीच कोई बात ना उठे। कैसी बात? जो बीत गया उसे भूल जा, भूल जाओ दीवाने। हमारे पास बस ये क्षण। मैं इन क्षणों के सहारे जी लूंगी।
अब मुझे चलना होगा, शीघ्र ही लौट फिर तुम्हारे साथ विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। विदा कर दिया आपने वल्लभ को? हाँ यदु, वो मुझसे विवाह करने शीघ्र ही लौटेंगे। विवाह? विवाह करेंगे उससे आप? हाँ यदु, हाँ। मैं अपने जीवन में कई पुरुषों के संपर्क में आई, महाराज बिंबिसार जैसे पुरुष भी मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे पत्नी का सम्मान भी दिया, पर पत्नी ना बना सकी, मेरा बहुत ध्यान रखा उन्होंने, पर जाते हुए मैं उनसे प्रेम ना कर सकी, मेरे मन में उनके लिए आदर रहा पर प्रेम तो मुझे अब हुआ है। देवी निद्रा से जागिए, अर्थात तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैंने अपने प्रेम के बारे में बताया। पर आप अपने प्रेमी को नहीं जानती, वो जिसे आप वल्लभ कहती हैं, जानती हैं कौन है वो? कौन? वैशाली का परम शत्रु, आपकी लहू का प्यासा अजात शत्रु है। देवी उठी, देवी क्या हुआ? देवी शाक्यमुनि को कौशाम्बी का आश्रम छोड़े बहुत अधिक समय हो चुका है, न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। समझता हूँ तुम्हारे मन का दर्द आनंद। दो बार कौशाम्बी के शैलाचार्य और सूत्राचार्य अपने नेत्रों में अश्रु भर बुद्ध को खोजते हुए आए हैं। बुद्ध जैसी निधि के योग्य न थे, आपस में प्रेम से रह न सके और इतने छोटे मन मुटाव को इतना भीषण रूप दे दिया। बुद्ध ने तो स्वयं ही कहा है, चाहे जितने सूत्रों का अध्ययन कर लो, चाहे जितने सूत्र कंठस्थ कर लो, जब तक वो तुम्हारा कर्म नहीं बन सकते तब तक कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। सबको मार्ग का पता है पर सब मार्ग पर चल नहीं पाते। आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आनंद, कभी कभी एकांत में भी रहना चाहिए, ज्ञान मिलता है। साक्यमुनि, जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंध त्रसु दिशाओं में फैल जाती है। सूत्र आचार्य और शील आचार्य भी आपकी सुगंध पा यहां दौड़ दौड़ चले आए, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उन दोनों के बीच समाधान हो गया है,
यदि आप अनुमति दें तो ही हम उन्हें आश्रम में आने देंगे। मोगलाना, आप उन्हें वापस भेज दीजिए, उन्होंने बुद्ध का अपमान किया है। आनंद, ध्यान रहे, अपमान का भाव कभी मन में ना उठे। साक्षी मुनि, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने आपका अपमान किया, प्रश्न ये है क्या वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। सही कहा सारिपुत्र, सार की बात समझ गए। यदि किसी के मन में ग्लानी का भाव उठा तो भूल मानना, भूल सुधारने के लिए उठाया गया पहला पग वो विनयशील हो, एक भिक्षु के समान सबके समक्ष क्षमा मांगने के लिए तैयार है। साक्षी मुनि, केवल एक कृपा करें, इस छोटे से विवाद ने पूरे संघ में बहुत विष फैला दिया है, बस अब ऐसा दोबारा ना हो। उनका स्वागत करो, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करो, एकांतवास में मैं अनिरुद्ध के साथ एक माह तक रहा। वो और उसके साथी भिक्षु प्रेम और सद्भाव के उदाहरण है। आने वाला समय और भी विकट होगा, मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है, कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे। उस युग में इस पृथ्वी की रक्षा हमारे ये सिद्धांत करेंगे। सूत्राचार्य और शीलाचार्य के समाधान की बात सुन मुझे अति प्रसन्नता हुई। सूत्राचार्य ने क्षमा मांग, शांति का मार्ग चुना, इससे सबका हित संभव हुआ। अब ऐसा संघ में विवाद ना हो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को सप्ताधिकरण संहिता कहेंगे। इन सात चरणों का ज्ञान आनंद आप सबको देंगे। ये भी ध्यान रहे, संदेह सबसे विकृत रोग है, ये लोगों को बांटता है। ये एक ऐसा विष है जो मैत्री को तोड़ता है, एक ऐसा काटा है जो सदा चुभता है। और ये भी ना भूले, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। शीलाचार्य ने सत्य कहा, मैं ही अहंकारी हो गया था। सूत्राचार्य, आपका कहना भी सत्य था, मेरे मन में आपके लिए बहुत ईर्ष्या थी। मैं इस पाप का बराबर का भागीदार हूं। आपने हमें करुणा दी, अब उसे क्षमा दीजिए, हमें आशीर्वाद दें। मेरे पास केवल मार्ग है, यदि आप उस पर चलो
तो ये मार्ग तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो। नीचे पड़ी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे गहने ले लो और मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे कि तुम्हें और धन चाहिए तो मैं इस वन में आके छोड़ दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। मुझ पर रहम करो। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे 100 कटी हुई उंगलियां की माला चाहिए। नहीं, जिस दिन मेरे इस माला में 100 उंगलियां हो जाएगी उस दिन मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, मेरी शक्तियां प्रबल रूप लेगी और पूरी सृष्टि में विकसित होगी। कुछ भी रहम करो। या भगवती भिक्षाम देहि, या भगवती भिक्षाम देहि। या भगवती भिक्षाम देहि। अंदर आइए। शाक्यमुनि माफ करना, पर आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपनी खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे। कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय किस कारण से? उंगली माल एक राक्षस है, उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। धन के लालच में? नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि 100 उंगली की माला बनाकर जब वो अपने गले में बांधेगा उसकी विनाशक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। मुनि जी, आप बाहर ना जाएं, वो आप पर भी वार कर सकता है। भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा।
रुकोगे? मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। मुझे मुझसे भय नहीं लग रहा, मैं आदि मानव हूं। नहीं, तुम मानव। जोगी, तूने कहा कि तू कब तक रुक चुका है, पर तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया, ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा, सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। मैं सबकी हत्या करूंगा, मानो में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगली मानो, क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है, घृणा द्वेष ईर्ष्या मोह माया ये सब अज्ञान की ही संतान है, और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया करुणा सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। और व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्बलता में परिवर्तित करता है, तुम घृणा के पथ पर बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो उंगली मार। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, मैंने बहुत हत्याएं की है, अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं, जब आंखें खुले तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था, इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है, तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दे। मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संघ से जुड़ता है। उंगली माल अहिंसा का रास्ता त्याग सिद्धार्थ का भिक्षु बन गया। सिद्धार्थ नहीं महाराज, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। सत्य है महाराज,
बुद्ध की दृष्टि मात्र पड़ते ही उंगली मार जैसा राक्षस सहजता से उनका भिक्षु बन गया। मैं नहीं मानता, अपना प्रचार करने हेतु सिद्धार्थ ने झूठा समाचार उड़ाया। ऐसे क्या निहार रहे? क्षमा करें महाराज, सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए पर आप अब भी उनके विरुद्ध मन में गड़ी भास ना निकाल सके। आप जब वो सिद्धार्थ थे तब भी अनूठे ही थे महाराज, हम तो उनके परम शत्रु थे, तब भी उन्होंने दो बार हमें जीवन दान दिया, बस एक भक्षक को रक्षक बना दिया, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है महाराज। हमारे जीते जी एक व्यक्ति का इतना बड़ा रूपांतरण हुआ है, वो तत्व से बुद्ध बन गया, ये चमत्कार ही तो है महाराज। अंगुली माल का ये हृदय परिवर्तन जब तक हम स्वयं न देखें विश्वास न होगा। आप स्वरूप धर ले फिर भी वो दस्त अवश्य है। बांदुल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। नहीं नहीं, ये सिद्धार्थ नहीं, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है। आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए, क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुली माल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए हैं। और अंगुली माल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। बुद्ध कहते हैं जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुली माल कहते थे। हमने आज तक सुना था
कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। हंगुली माल, हम तुम्हें जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं। महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में अपराधियों को दंड दे उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, पर अपराधी के हृदय में क्रांति केवल गौतम बुद्ध की ला सकता है। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जो उससे अनुचित कार्य करवाता है। हम जो सोचते हैं उसका ही परिणाम बनते हैं। अच्छा विचार अच्छा परिणाम देता है, बुरा विचार बुरा परिणाम। ये प्रकृति का अटल नियम है।